अपनी गर्लफ्रेंडों को लेकर हमारे भोजपुरिया स्टार्स एक दूसरे से भिड़ गए। जी हाँ, भोजपुरी इंडस्ट्री में वैसे ये चलन है कि भोजपुरिया हीरो घरवाली और बाहर वाली दोनों को बहुत अच्छे से मैनेज कर लेते हैं। अब ऐसे ही क्रम में हम आपको लेके चलते हैं 10 से 12 साल पीछे, जहाँ पर रुपहले पर्दे पर बड़ी बड़े पोस्टर्स में बड़ी बड़े स्क्रीन्स पर लगते थे रवि किशन नगमा और मनोज तिवारी की फिल्में। जी हाँ, आपको उसी दौर में लेके चलेंगे जहाँ भोजपुरी पुनर्जीवित हो रही थी और भोजपुरी से बड़े बड़े नाम जुड़ रहे थे, लाइक अमिताभ बच्चन, जया बच्चन और शत्रुघ्न सिन्हा जैसे कई बड़े नाम, अजय देवगन जैसे कई बड़े नाम जिन्होंने भोजपुरी इंडस्ट्री में अपनी किस्मत आजमाने की सोची। लेकिन भाई, भोजपुरिया दर्शकों ने इन्हें कुछ खास भाव नहीं दिया। हमारे भोजपुरिया दर्शकों को भी ऐसे ही हीरो चाहिए जो अपने घर वाली और बाहर वाली दोनों को अच्छे से मैनेज कर ले। वैसे फिल्मों में एक्टिंग आए ना आए, इससे हमारे भोजपुरिया दर्शकों को दूर दूर तक वास्ता नहीं है। वैसे अगर इसमें इंटरेस्ट होता तो आज हमारे बीच कई ऐसी गोल्डन फिल्में होती, लाइक चक दे, ब्लैक, देवदास, अरे अनगिनत लिस्ट हैं, इन्हें किसी और दिन हम बताएंगे। आपको आज गर्लफ्रेंड यानी कि घर वाली और बाहर वाली का फेयर बताने वाले हैं। जो हमारे भोजपुरिया दर्शक हैं वो घाघरा और चोली से उठ ही नहीं पाते हैं। खैर, वैसे हम इसलिए बोल रहे हैं कि अगर हम दर्शक बनकर किसी दिन डिमांड करें कि हमें ऐसी फिल्में नहीं देखनी है जैसी कि भोजपुरी में दिखाई जा रही हैं, तो क्या मजाल है कि भोजपुरिया डायरेक्टर हमारे सामने वही थाली परोसे। अब हम आपको कहानी बताते, कहानी नहीं ट्राइंगल बताते हैं रवि किशन, मनोज तिवारी और नगमा की। तो चलिए हम बताते हैं किस तरह घरवाली बाहर वाली के चक्कर में हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री आज भी फंसी हुई है। तो पुराने समय में यानी कि आज से 10 से 15 साल पहले की बात हो रही है, जब रवि किशन और नगमा का अफेयर चल रहा था। ये दोनों का अफेयर इतना तगड़ा हो चुका था कि भाई, रवि किशन की पत्नी को इससे भी एतराज नहीं था कि रवि किशन नगमा से शादी कर लें। खैर, ये चैप्टर तो उनका आपसी है, लेकिन इस चैप्टर में एंट्री होती है मनोज तिवारी की। अब मानिए, नगमा की आंखों में मनोज तिवारी डूब रहे हैं, उभर रहे हैं, डूब रहे हैं, उभर रहे हैं, और उनकी मतवाली नैनों से तो शाहरुख खान नहीं बचे, तो मनोज तिवारी क्या चीज़ है। खैर, आगे हम बढ़ते हैं और बातों की कारवा को इस तरह लेके चलते हैं कि नगमा और मनोज तिवारी एक फिल्म की शूटिंग मॉरिशस में कर रहे थे। अब ऐसे में ये बात कहीं ना कहीं रवि किशन को बहुत खल रही थी, क्योंकि रवि किशन कहीं ना कहीं जानते थे कि नगमा की खूबसूरती ही ऐसी है कि लोग फिदा हो जाएं। तो कहीं नगमा शूट के अलावा मनोज तिवारी के साथ तो टाइम स्पेंड नहीं कर रही हैं। कहीं ना कहीं ये बात रवि किशन को बहुत खल रही थी कि ऐसा ना हो थाली मैंने सजाई और छेद कोई और कर दे, प्यार क्या दाम तो मैंने खेला उड़ा कोई और ले जाए। क्योंकि उन दिनों नगमा और मनोज तिवारी के अफेयर की खबरें छन छन कर भोजपुरी इंडस्ट्री से बाहर आ रही थी। अब हुआ ये कि हर वक्त नगमा पर जासूसी के कारण रवि किशन और नगमा में भाई जोरदार झगड़ा हो गया। अब ये झगड़ा इस कदर बढ़ गया कि रवि किशन को आखिरकार नगमा से तौबा तौबा करना ही पड़ा। अब भाई खैर, मनोज तिवारी मॉरिशस से आ चुके थे मुंबई। मुंबई में उनके और उनकी पत्नी के बीच कलह चल ही रही थी विश्वास को लेकर। जी हाँ, विश्वास को लेकर। अब भाई हर एक न्यूज़पेपर की सुर्खियाँ जो बन चुके थे नगमा और मनोज तिवारी का अफेयर। अब ऐसे में नगमा को लगा कि मनोज तिवारी तो उन्हें सहारा दे ही लेंगे, लेकिन अपनी आपसी जिंदगी को बचाते बचाते नगमा को फिर टाटा बाय मनोज तिवारी ने भी कर दिया। यानी कि इन दोनों के चक्कर में नगमा न घर की रही न, हाँ आप समझ चुके होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा, अब अपने टाइम मशीन को आगे लाते हैं और आ जाते हैं हम 2015 और 16 के दरमियान। यहाँ भी फिर से वही कहानी दोहराई जाती है। अब तो हरिवंश राय बच्चन की वो कविता याद आ गई, पूर्ण कर दे वो कहानी जो शुरू की थी सुनानी। आप दिमाग के घोड़े मत दौड़ाइए, यहाँ हम बैठे हुए हैं, हम आपको ये बताएंगे कि ये ट्राइंगल कहाँ से शुरू हुआ। खेसारी लाल यादव, अक्षरा सिंह और बीच में आ गए पवन सिंह। खैर,
अब हम आपको इनकी स्टोरी ज़रूर बताएंगे। खेसारी लाल यादव उन दिनों मुंबई में नए नए आए थे और एक आध दो फिल्में ही की थी, लेकिन जनता के आग के तारे हुए थे, लोग इनकी फिल्में देखना चाहते थे। और ऐसे में अक्षरा सिंह भी अपने लिए कोई ना कोई ऐसा हीरो देख रही थी जिसके साथ वो एटलीस्ट कुछ नहीं तो धड़ाधड़ 5 से 6 फिल्में दे लें और लोगों की नज़र में आ जाएँ। और ऐसे में एंट्री होती है खेसारी लाल यादव की। खेसारी लाल यादव जी हाँ, वो पहले से ही शादीशुदा थे, एक बेटी के पिता थे। ये बात कहीं ना कहीं हो सकता है खेसारी ने कभी ना कभी अक्षरा सिंह को बताई भी होगी, लेकिन अब भाई अक्षरा सिंह के प्यार में, उनके रहने सहने के तरीके को, इनकी लाइफस्टाइल के इतने बड़े दीवाने हो गए खेसारी लाल यादव कि उन्हें सुध ही नहीं थी कि उनका ही एक बीवी और एक बच्चा गांव में उनका इंतज़ार कर रहे हैं। लंच लेते अक्षरा के नाम पे और डिनर भी होता अक्षरा के नाम पे। अक्षरा अक्षरा अक्षरा, उनके जीवन में सिर्फ एक ही नाम रह गया था, उनका सोना और बाबू अक्षरा सिंह। अब ऐसे में जैसे ही खेसारी लाल यादव के घर में एंट्री होती है उनके घर वालों की, तो भाई क्या करें, अब खेसारी लाल यादव अक्षरा सिंह को छोड़ना भी नहीं चाहते थे, उनके साथ रह भी नहीं सकते थे। अब वो तो ये हो गया ना कि न उगला जाए और न निगला जाए वाली कंडीशन। ऐसे में अक्षरा सिंह ने ये सोचा कि क्यों नहीं, अब ऐसे में अपनी इमेज बिगाड़ने से बेहतर है कि खेसारी लाल यादव को छोड़ ही दिया जाए। लेकिन खेसारी लाल यादव थे कि अक्षरा सिंह को छोड़ने को तैयार नहीं थे। अब ऐसे में इन दोनों के बीच एंट्री होती है अपने पावर स्टार भोजपुरी के सलमान खान, पवन सिंह की। खैर, पवन सिंह ने आते ही ऐसी एंट्री मारी इन दोनों के बीच कि ये दोनों सेपरेट हो गए। लेकिन खेसारी लाल यादव अक्षरा सिंह को भूले नहीं थे। अब खेसारी लाल यादव किसी न किसी तरह से चाहते थे कि अक्षरा सिंह उनके कांटेक्ट में रहें, उनसे बातें करें, लेकिन ऐसा हो न सका। तरह तरह के अक्षरा सिंह के लिए गाने गवाए खेसारी लाल यादव ने। अब अक्षरा सिंह थी कि पवन सिंह के अलावा उन्हें कोई सहारा ही नहीं दिख रहा था। और कहीं ना कहीं अक्षरा सिंह ने ये भी सोचा कि अब तो पवन की लाइफ में उनकी पत्नी भी नहीं है, अब ऐसे में अगर वो पवन के साथ रहेंगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा और उनकी हीरोइन बनकर रहेंगी तो भोजपुरी इंडस्ट्री में जो मकाम वो 8 से 10 साल में पाएंगी, वो मुकाम वो 2 से 3 सालों में भी हासिल कर सकती हैं। वैसे अक्षरा और पवन के बीच प्यार की पिंगे बढ़ने लगी और खेसारी और अक्षरा के लव में ट्रायंगल का जो मोड़ था वो पूरी तरह से अक्षरा और पवन के प्यार में के गिरफ्त में हो गया। अक्षरा सिंह पवन सिंह की हर बदतमीजियों को झेलती, हर चीज़ को बर्दाश्त करती, क्योंकि भाई फैसला भी तो उन्हीं का था कि खेसारी को छोड़कर उन्हें पवन के पास जाना था। अब ऐसे में पवन ने उनकी तब मदद की थी जब उनकी कोई मदद नहीं कर रहा था। अब अक्षरा सिंह ने भी हर एक चीज़ बर्दाश्त की, लेकिन अक्षरा सिंह के भी स्टोरी में ट्रायंगल आ गया। जी हाँ, आपने सही पकड़ा, ज्योति सिंह। जी हाँ, ज्योति सिंह के आते ही अक्षरा सिंह का जो ट्रायंगल था वो पूरी तरह से टूट चुका था। अब अक्षरा सिंह की लाइफ में भी नगमा वाला कंडीशन। और इसके बाद अक्षरा सिंह ने जो कुछ किया हर एक लड़की को करना चाहिए। पवन शादी करके अपनी परिवार की मर्जी से सेटल हो चुके थे और अब अक्षरा सिंह अपनी लाइफ में जो कर रही हैं वो जमाना देख रहा है। हमें क्या है, हमें तो आपको ये बताना है कि 3 तिगाड़ा भोजपुरी में हमेशा काम बिगाड़ देता है। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।